Class 7, Holy Child School, Chapter Number 4, Rational Numbers. Now, before starting the exercise 4.1, let us look into some basic points. Now, natural numbers, किसको कहते हैं हमको मालूम है? 1, 2, 3, 4. 1 से start होते हुए infinite, जितने भी numbers हैं, मतलब infinite हैं, इनको बोला जाता है natural numbers. Whole numbers आपका 0 से start होते हैं, और इनफाइनाइट तक चलते हैं, ये होल नंबर्स हैं. इंटीजर्स आपके नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो. और जीरो आपका ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है ना. जीरो होल नंबर में आता है. तो जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मिलके आपका टोटल इंटीजर्स कहलाता है. फ्रैक्शंस ऐसे नंबर जिनको ए बाय बी, ए बी क्या है, कोई भी इंटीजर है या नंबर पकड़ सकते हैं हम, जिसमें b नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी b यानी डिनोमेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबरों को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं. जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. अब रैशनल नंबर्स क्या है भाई? अ नंबर, देखो नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q, यानी p बाय q यानी p आपका न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर, q आपका डिनोमिनेटर है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p और q इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी इंटीजर्स में जीरो भी आता है, तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है. पी क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए. तो ऐसे नंबर जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स बोला जाता है. नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग 4.1 पे. राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है इन सभी का, ठीक है ना. तो ये बहुत ही सरल काम है. फर्स्ट का न्यूमरेटर जीरो है, सेकंड का थ्री है, इस तरीके. सेकंड का आपका न्यूमरेटर माइनस वन है, डिनोमिनेटर थ्री है. तो बहुत आसान काम है ये. नंबर टू, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स. इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स नहीं है. तो रैशनल नंबर नियम हमने पढ़ा अभी, तो 3/2 ये रैशनल नंबर है, 0/7 है, -2 है, क्योंकि -2 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है. 4/0 नहीं होगा ये, क्योंकि हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो q है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी दोनों है, ठीक है ना. तो खाली 4/0 नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज एंटर. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है आपको, रैशनल नंबर लिखना है. बहुत सरल तरीका है. न्यूमरेटर जो दिया है वो ऊपर लिखोगे, डिनोमिनेटर नीचे लिखोगे. तो 3 का फर्स्ट क्या हो जाएगा रैशनल नंबर? 3, न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर -7, 3/-7. बस क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिख दो, कुछ नहीं करना है इसमें और ज्यादा. नंबर 4, एक्सप्रेस -4/-7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर इतना इतना इतना. तीन पार्ट है, तो मैं एक पार्ट बताता हूँ. साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना. बार बार बोल रहा हूँ, साइन का इसमें बहुत ध्यान रखना है. तो -4/7 इसको हमको ऐसे लिखना है कि इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए, नंबर वन में -28 हो जाए. तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है भाई? अच्छा, इसमें -7 दे रखा है, डिनोमिनेटर -7 है. तो -7 को 28 कैसे कर सकते हैं? अगर हम 4 से इंटू करें, 4 से, -4 से नहीं, क्योंकि -4 से करेंगे तो भाई -7 और -4 +28 हो जाएगा, जबकि हमको -28 ही चाहिए. तो जो हम नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे हम. तो 4 4 16, माइनस का साइन आएगा, और 7 × -7 × 4 −28, ये हमारा आंसर है. एक स्टेप का आंसर है. इसमें सारे आपको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आपको, खाली आपको साइन का ध्यान रखना है. नंबर 5, एक्सप्रेस 6/-11 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर −6, 30, −24. तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर को बदलना है. तो जैसे 5 का फर्स्ट वाला बताता हूँ, 5 का फर्स्ट आपको न्यूमरेटर क्या चाहिए, चलो 5 का फर्स्ट ही बताता हूँ. न्यूमरेटर आपको -6 चाहिए. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 6/-11. तो न्यूमरेटर आपको -6 चाहिए, यहाँ 6 है, तो 6 के साथ क्या करने से -6 आएगा, -1 करेंगे. जो हम ऊपर करेंगे वही हम नीचे करेंगे, -1 ऊपर नीचे. 6 × -1 −6 और −1 × −11 +11 आपका आएगा, ठीक है. इनको ध्यान से करना आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
express -25/60 as a rational number whose denominator is -12. तो तरीका वही करेंगे हम, इसमें डिनोमिनेटर हमको -12 लाना है. तो देखो 6 का हम क्वेश्चन लिखेंगे -25 और नीचे हमारा क्या है 60 है. तो 60 हमारा डिनोमिनेटर है, इसको क्या करना है हमको -12 लाना है. तो पहले आप साइन छोड़ दो, आप 60 को 12 कैसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करके, क्योंकि 5 12 जो 60 होता है, ठीक है ना. टेबल आपको अच्छे से आने चाहिए. अब चाहिए माइनस का साइन, तो हमको यहाँ तो 60 यहाँ क्वेश्चन में तो माइनस नहीं है, क्वेश्चन में होता तो नहीं लगाते, तो यहाँ पर आपको -5 लगाना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय -5. जो आप नीचे करोगे वही आप ऊपर करोगे, ऊपर भी -5 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है. तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, और क्योंकि दोनों में ही माइनस साइन है तो माइनस माइनस दोनों में हो तो प्लस हो जाता है वो. तो ये 5 आ गया ऊपर, और नीचे 60 को -5 से डिवाइड करोगे तो -12. बस दो स्टेप का हमारा आंसर है. बेटा बहुत ध्यान से समझ के क्या करो, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत खराब करते हो, इसलिए समझ के करो बिल्कुल बढ़िया से, ताकि कहीं भी कभी भी कोई परीक्षा ले ले तो अच्छे से आप कर सको. नंबर 7, इसको आप अपने आप से करोगे, कुछ नहीं बताएंगे, अभी तक जितना डिस्कस किया है वैसा ही आपका. नंबर 8, राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. तो इन सब रैशनल नंबर को जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव करना है. तो करेंगे कैसे, देखो सबका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, -1 ऊपर नीचे इंटू करेंगे. जैसे कि क्वेश्चन मैं 8 का पहला बता रहा हूँ, 8 का फर्स्ट 6/-7 है. तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, -7 को पॉजिटिव करने के लिए -1 से इंटू करेंगे. देखो 1 से इंटू करने में क्या होता है, सेम ही नंबर आएगा, और -1 से करने पे पॉजिटिव हो जाएगा ये. तो -1 से ऊपर नीचे दोनों करेंगे, ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा, 6 × -1 -6, और -7 × -1 +7, ठीक है ना. तो हमको हमारा मेन मकसद है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना. क्वेश्चन नंबर 9, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट यानी बराबर, इनके बराबर के. तो इस तरीके के आप फ्रैक्शंस में कर चुके हो, जैसे पहला वाला बताता हूँ 9 का -7/8. तो सबसे पहले आप -7/8 ऊपर नीचे 2 इंटू करो, आप सेम नंबर से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 से स्टार्ट होगा हर कोई सम, तीनों ऐसे होंगे, 7 × -7 × 2 -14, 8 × 2 = 16, खत्म हो गया ये, एक हो गया सेकंड, फिर आप -7/8 लिखो और ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करो, -7 × 3 - 21, 8 × 3 = 24. बस दो क्या, इसका 4 ऊपर नीचे इंटू करो. तो जितने इसमें 3 पूछा है तो 3 बार एक बार और करना आपको, और 4 पूछेंगे तो 4 बार. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, यानी लाइक करना है. तो ये भी आप लोग कर चुके, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं. और क्योंकि यहाँ पर सब छोटे छोटे हैं, तो इसमें एक और सरल तरीका है. तो आप सब लोग क्वेश्चन में लिखा 3/8 और 5/7, तो इसमें 3/8 में इसके पास वाला जो डिनोमिनेटर है 7 है, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 3/7 = 21 / 8/56, ये हो गया. और 5/7 में इसके पास का जो डिनोमिनेटर है, इसके पास का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है ना, 8 है, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 8 = 40 और 7 × 8 = 56. बहुत इजी सवाल है, लेकिन करने आपको ध्यान से. तो देखो ये दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम हो गया, 56 हो गया, ठीक है ना, साइन और नंबर दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखना. तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे, कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछना आप.